हमने ना ये क्लब है साली भेजा रोधी क्लब करके ऐसे। भाई साहब हमने इस क्लब में अंदर आए हैं और यहाँ पे ये मैडम हमारे सामने बैठ गई है, ये मेरे को पता है इसलिए बैठी हमारा बिल बनाने के लिए। तो हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हाँ चल, मैं आपका होस्ट और दोस्त विकास, स्वागत है फिर से एक बार आपका हमारे यूट्यूब चैनल घुमक्का इंडियंस में। तो आज हम लोग जा रहे हैं काठमांडू की तरफ और लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम आपको डडलू धेरा करके एक जगह थी वहाँ ले गए थे और इस टाइम पे हम अतरिया में हैं। अतरिया एक छोटा सा टाउन है नेपाल में, जब आप महेंद्र नगर से आओगे तो आपका नेक्स्ट जो अच्छा टाउन पड़ता है ना अतरिया पड़ता है। और यहाँ पे अभी हमें बस स्टेशन के सामने यहाँ से काफ़ी सारी बसेज हैं जो हमें काठमांडू के लिए मिल जाएंगी। तो अभी एक बस का हमने पता किया 2500 रुपये टिकट है अतरिया से काठमांडू की। तो अभी हम कोई बस पकड़ते हैं और काठमांडू निकलते हैं और आज का सफ़र आपको ना काठमांडू का दिखने वाला है हमारे चैनल पे कि हम लोग काठमांडू कैसे पहुंचते हैं और ये हमारा पूरा सफ़र आपको दिखाएंगे और इसके बाद ना आपको काठमांडू के लोग देखने को मिलेंगे क्योंकि काठमांडू में ना काफ़ी कुछ है आपको दिखाने के लिए। और उसके बाद ना हम काठमांडू से आपको ना ऊपर की तरफ भी लेके चलेंगे जो विलेज साइड होगा ना काठमांडू का और जहाँ पे मतलब बिल्कुल बर्फ़ बर्फ़ वाली एरिया होगा या बिल्कुल चाइना बॉर्डर के पास हमको लेके चलेंगे। और काठमांडू से लगभग 150-200 किलोमीटर ऊपर ना एक गाँव है जो कि चाइना का गांव है जिसमें आप लोग मतलब नेपालियों को तो एंट्री है लेकिन अगर हमें मौका मिलता है ना वहाँ पे एंट्री करने का तो हमें आपको हम आपको चाइना भी लेके जाएंगे। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी सारी बस खड़ी हैं अभी, जैसे ना नेपाल में गया सीना अगर बस स्टेशन के बाद भी खड़े होते ना काफ़ी सारे लोग आके ना आपको ऑफर करते हैं कि भाई हमारी बस चल रही है हमारी बस चल रही है। अभी एक बंदा आया था हमारे पास में, उसने बोला है कि भैया काठमांडू तक का 2500 रुपये किराया लगेगा लेकिन अभी हम चल रहे हैं यहाँ का बस स्टेशन पर काउंटर पर पता करते हैं भैया टिकट कितने का है ताकि हमको कोई स्कैम ना कर पाए। ठीक है तो एक बार अंदर चलते हैं फिर वहाँ पर पता करेंगे जितने का टिकट रहेगा उस हिसाब से फिर लोगों से बार्गेन करेंगे। तो भाई साहब हम ना टिकट काउंटर पे आ गए हैं और एक चीज़ और भाई, नेपाल का ना अपना कोई रोडवेज नहीं है, मतलब नेपाल गवर्नमेंट का अपना कोई रोडवेज नहीं है। यहाँ पे जितनी भी बसेज चलती हैं ना यहाँ पे प्राइवेट बसेज चलती हैं और हर सिटी में नेपाल की आपको ऐसे काउंटर्स वगैरह मिल जाएंगे जो कि लोकल जो पब्लिक ट्रांसपोर्टर होते हैं वो लोग इसको रन करते हैं। तो आपको यहाँ पे दो तरह की बस मिलती है, एक होती है लग्जरी बस जिसको एसी बस बोलते हैं और दूसरी होती है डिलक्स बस। और यहाँ पे ऑर्डिनरी बस नहीं चलती है, मतलब लंबा जो रूट होता है उसमें दो ही तरह की बस चलती हैं। ठीक है तो अभी कोई एक डिलक्स बस पकड़ते हैं क्योंकि अपने को एसी तो चाहिए नहीं क्योंकि एसी वाली बस होगी बिल्कुल बंद, हवा भी लगती है और उसमें ना दम घुटता है। तो हम डिलक्स बस करेंगे और यहाँ से किराया जो है कि 2-3 लोग बता रहे हैं कि 2500-1900 रुपये, देखते हैं कि क्या क्या सीन है। तो यहाँ पे सामने एक काउंटर है, इनको मैंने बोला है पता कर रहे हैं अभी बस का। चलो भाई फाइनली अपनी काठमांडू तो के लिए अपने बस बुक कर लिया, आप जो पीछे बस देख रहे हैं इस बस में हम लोग जाने वाले हैं उग्र तारा बस में। और उग्र तारा ना हम जहाँ गए थे ना डडल देरा वहाँ पे एक बहुत फेमस मंदिर है। ये वाली बस है भाई, ये फुल एसी बस है, 2000 रुपीज़ इसका मतलब किराया है, 2000 रुपये एसी बस का किराया। बाकी हम निकलने से पहले ना कुछ खाने पीने का सामान रख लेते हैं ताकि बीच बीच में ना कुछ भूख वगैरह लगे तो अपना पेट वगैरह मुँह वगैरह चलता रहेगा ना तो भूख नहीं लगेगी। तो यहाँ पे एक शॉप तो है, थोड़ा कुछ चिप्स वगैरह थोड़ा बिस्किट्स वगैरह रख लेते हैं। चलो भाई अपनी बस चालू हो गई और हम खाने पीने का सामान भी लेके आ गए। अब ये ऐसी कुछ बस है हमारी जी, विकास या अभिकास, विकास विकास मतलब प्रगति उन्नति। अरे यार मेरा नाम भी विकास है यार, तो फिर तो विकास 500 रुपये डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट हुआ है मुझे नहीं पता कितना, हमें पता ही नहीं रेट क्या है। 2000 इन्होंने बोला 50 किराया है, यहाँ से हल्ला मत करो बाबू यार, हम का हल्ला करें तुम ही किराया बता दो, तुम डिस्काउंट बता दो। विकास विकास प्रकाश क्या बात है, ये हुआ ना मजा, क्या बात है। तो भाई चलो अपने टिकट विकेट थे वो कट गई है। नमस्कार भाई कैसे हो, बढ़िया एकदम बढ़िया। ये बस छोड़ेगी कब, कितने घंटे में छोड़ देगी ये, यहाँ से 6:30 में छूटेगी। और भाई साहब तुम्हारा नाम क्या हुआ, छोड़ो ब्राह्मण होते हैं, अरे क्या अरे भट्ट तुम्हारे चाचा भी हैं, भट्ट जी गुरु जी है, सब जोशी पांडे भट्ट ही ऐसे हैं। आपका कोई कॉन्टेक्ट नंबर इधर का है ना, कभी सामान छोड़िए ना कुछ। सो भाई साहब कोहलपुर से थोड़ा सा आगे ढकेरी करके एक जगह है वहाँ पे हम रुके हैं और भाई साहब 11 बज चुके हैं, बस रुकी है यहाँ पे खाने के लिए और थोड़ा किसी को फ्रेश व्रेश होना है तो हो जाए। तो हम चल रहे हैं अंदर कुछ खा पी लेते हैं, खा पियेंगे नहीं तो एक चाय तो पी लेंगे, अगर चाय नहीं होगी तो भाई आजकल ना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा पेट, थोड़ा सा ना सोच रहा हूँ कि रहता वहता पी लेते, लस्सी वस्सी मिलती है तो लस्सी वस्सी पी लेंगे। और मेरा लौंडा तो अंदर रहेगा, रोहित रोहित आ रहा है आ जा। ढकेरी करके ये जगह है भाई, छोटा सा जगह है, यहाँ पे हमारी बस रुकी है। भाई साहब यहाँ पे चल रहा आईपीएल और मुझे नहीं पता था कि इस बार आईपीएल में धोनी भी खेल रहे हैं। भाई यहाँ पे तो बफे वगैरह लगा हुआ, भाई कितने का है, कितने का है,
सादा 200 चिकन 300 यहाँ पे बफे लगा हुआ है, सादा 200 चिकन 300। अच्छा भाई साहब खाने में क्या क्या है? चावल है, दाल है, सब्जी, चिकन का है। चिकन अच्छा, चिकन वो अपने हाथ से देंगे, बाकी तुम अपने हाथ से ले लो। तो भाई साहब जैसे कि ना मैंने बताया था, आजकल ना हम एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। आजकल हम अपना खाना है ना जो वो सैलेड खा रहे हैं, मतलब वैसे हम सैलेड हमने रखा हुआ है हमारे पास में, हमारी गाड़ी में, बस में रखा हुआ है, लेकिन कांटे के गौनीस को। तो यहाँ पे एक ढाबे पे हम रुके थे ना, तो यहाँ पे हमने एक एक प्लेट ऐसा सैलेड ले लिया, तो इन्होंने 30 रुपये का हमको दिया, ये 50 रुपये का बना नेपाली करेंसी में। तो एक एक प्लेट सैलेड खा लेते हैं तो अपना डिनर हो जाएगा। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नेपाल अगेन। और इस टाइम ना अभी हम चुमलिंगटा करके एक जगह है काठमांडू से 100 किलोमीटर पहले, वहाँ पे हैं। सामने वो जो देख रहे हो ना, वहाँ पे हमारी बस रुकी है और सारे बस के लोग वहाँ पे होटल में, रेस्टोरेंट में, टॉयलेट में, सब में घुस गए थे। 3-4 बसें भी बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया था। तो यहाँ पे जो मेरे पीछे आप होटल देख रहे हो ना, मुस्कान रेस्टोरेंट, यहाँ पे हम लोग आगे फ्रेश वगैरह होने के लिए और चाय वगैरह पीने के लिए और ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे, कुछ अच्छे ऑप्शन मिलते हैं तो। बाकी एक दिक्कत है यहाँ पे ना, कि यहाँ पे चाय तो मिल रही है लेकिन यहाँ पे ना मिल्क चाय नहीं मिलती, यहाँ पे दूध बहुत कम है, ठीक है। तो हम आज काली चाय पी रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? क्या नाम है आपका? दीपा कार्ती। अच्छा, आप तो हिंदू होंगे ना? हाँ, हिंदू। अच्छा, रुद्राक्ष डाल रखा ना आपने? हाँ। अच्छा लग रहा है। कार्की? अरे कार्की तो इधर की कुमाऊं साइड के ही होते हैं। कार्की तो नहीं, मेरे ऑफिस में भी थे एक लड़की कार्की करके, मीनाक्षी कार्की। चलो भाई काली चाय पीते हैं। हमारे घर में जब दूध नहीं होता है ना, तब हम लोग काली चाय पीते हैं। और हमने किसी मेहमान को हमारे यहाँ पे अगर किसी को काली चाय पिला दो ना मेहमान को, तो मेहमान बुरा मान जाता है, दोबारा आते नहीं है। नेपाल में ज्यादा वो काली चाय मिलते हैं, लोग काली चाय पसंद करते हैं यहाँ पे। अच्छा, गैस्ट्रिक? हाँ वो तो है, गैस्ट्रिक होता है दूध वाली चाय से। चलो ठीक है भाई, आज की शाम काली चाय के नाम। ऑमलेट मिलेगा? हाँ मिलेगा। दो ऑमलेट कर दो। और क्या है ऑमलेट के अलावा? चिकन छोला यार, चिकन छोला, चिकन स्पाइसी चिकन लेगा? स्पाइसी है। आप ऑमलेट कर दो, दो 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 अंडे के। स्पाइसी खाके देखो, स्पाइसी स्पाइसी, ऐसा नहीं होगा तो पैसा नहीं लेगा। अच्छा चलो ठीक है, चलो एक प्लेट कर दे रहे हैं स्पाइसी चिकन, है ना, बाकी दो अंडा कर देना। हाँ तो वापस कर दे रहे, पैसा नहीं। क्या बात, देखो भैया, भैया ने चैलेंज किया, अगर चिकन अच्छा नहीं हुआ तो पैसा वापस, फिर तो अच्छा ही होगा। इतने कॉन्फिडेंस से भैया बोले तो एक प्लेट हम ऑर्डर कर लेते हैं, ठीक है। वो छोला भी डाल देना, ठीक है। चिकन में, चिकन में छोले? नहीं नहीं, छोला बोलता है नेपाली में। छोला मतलब कहाँ से आप लोग? इंडिया, दिल्ली। इंडिया कहाँ से? दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली। क्या होता है छोला? क्या होता है? स्पाइसी चिकन बोलते हैं। अच्छा, छोले को स्पाइसी बोलते हैं? या, या। ओके, हम सोच रहे हो हमारे यहाँ पे व्हाइट वाले छोले होते हैं ना चिकन में, अब छोले डाल दो। छोले ना, 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 छोले भटूरे नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले हम लद्दाख गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने चिकन में आलू डाला था, वहाँ पे लोग खाते हैं। सिक्किम में भी खाते हैं आलू डाल के, चिकन भिंडा आलू, चिकन भिंडा आलू। अच्छा अच्छा, भिंडा आलू बोलते हैं जो इंडियन लैंग्वेज है ना, हिंदी वो आपका भी लैंग्वेज है, आपका हमारा लैंग्वेज हिंदी है। अपन लोग ना हिंदी, अपन आपकी जो नेपाली है ना, हमको हिंदी जैसी लगती है, हमको समझ में आती है, जैसे हमारी पहाड़ी लैंग्वेज है वैसी लगती है। और आप लोगों को हिंदी समझ में आती है? हम भी नेपाली है, लेकिन नेपाली का वो बहुत सारे लैंग्वेज है ना, बहुत सारे लैंग्वेज है, नेवारी, तमांग, गुरु, क्षेत्री, ब्राह्मण, और बहुत सारे लैंग्वेज है। अच्छा, और आपकी कौन सी लैंग्वेज है? हम तो क्षेत्रीय, क्षेत्रीय, क्षेत्रीय ब्राह्मण। हाँ, यही लैंग्वेज है हमारा। अच्छा, जैसे आप बोल रहे हो अभी, ये तो बिल्कुल हिंदी है। नहीं नहीं, नेपाली लैंग्वेज बोलते हैं ना, खाना खायो। अच्छा, एंड देन इधर उधर, सही है। अच्छा, हमारा लैंग्वेज नहीं है, और हमारा लैंग्वेज शास्त्र में बोलते हैं ना बहुत, हमको नहीं आता है वो लैंग्वेज। संस्कृत, संस्कृत लैंग्वेज। आप जल्दी गाड़ी, अभी आधा घंटे रुकेगा, आधा घंटा होना। हाँ, फिर छूट जाएगा तो आप लगेज वगैरह है ना आप लोग का, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो भैया सुबह की ब्रेकफास्ट कर रहे हैं हम चिकन छोला से। तो ये भैया जी है ना, यहाँ पे इन्होंने बताया कि भैया ये नेपाल का एडिशन का काफ़ी स्पाइसी और मतलब क्रंची टाइप का है, तो ये हम ट्राई कर रहे हैं, मतलब छोटे छोटे चंक्स हैं चिकन के इस टाइप के।
ये और ये नेपाली डिश है, तो ये लोग आज हम ट्राई कर रहे हैं, साथ में ऑमलेट और ये ब्लैक टी। ब्रेकफास्ट करते हैं और हमारी ना सामने बस खड़ी है, पता भी लगेगा अगर बस निकल गई तो फटाक से ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। तो भाई अपनी बस भी निकलने को तैयार होगी, हमारी बस रुकी थी यहाँ इस ढाबे पे और यहाँ पे सारी बस वस थी तो बहुत ट्रैफिक भरा हो रखा था, तो हम लोग सामने होटल में गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। ओके तो भैया लगभग फाइनली ना 22-24 घंटे के बाद हम लोग पहुंच गए काठमांडू, और काठमांडू जो हम पिछले साल आए थे ना कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है पर टैक्सी में। हाँ जी टैक्सी चाहिए? नहीं टैक्सी नहीं चाहिए, चाहिए नहीं, तो बोलिए नहीं बैठेंगे, सिटी में पहुंचना है तो बोलिए हम बता दें। ठीक है थैंक यू। तो भाई काठमांडू ना लास्ट टाइम जब आए थे उसको कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, बस ये कि बीच में यहाँ पर एक अंडर पास रोड बन गया, पहले नहीं थी, बाकी वही मतलब जो मेन रोड पे धूल मिट्टी पहले थी वही धूल मिट्टी अब है। बाकी काठमांडू खैर मुझे इतना पसंद नहीं है, बाकी हम रुकेंगे फिर भी यहाँ पे, काफ़ी सारी ऐसी टूरिस्टिक प्लेस है, काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है और काफ़ी ऐसी पुरानी पुरानी शहर है। वैसे काठमांडू अभी नेपाल की राजधानी है, लेकिन काठमांडू से पहले ना ललितपुर काठमांडू यहाँ की नेपाल की राजधानी हुआ करता था, तो वहाँ भी हम लोग जाएंगे और यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे हिस्टोरिकल प्लेस है जो यहाँ के राजा महाराजाओं की जगह हैं, वहाँ के किले हैं, उनके मंदिर हैं, उनके किले या उनके महल हैं, वहाँ हम आपको लेके जाएंगे। तो चलो अभी होता गया ना, अभी हम बस स्टॉप पर पहुँच गए, यहाँ पे कोई ना कोई हमको आके पकड़ ही लेगा कि भैया रूम रूम रूम, और किसी ना किसी के साथ हम निकल ही जाएंगे। भाई काठमांडू के बस स्टैंड पर तो कोई नहीं मिला, बस कोई नहीं आया, हम वहाँ पे खड़े रहेंगे, कोई आएगा रूम वूम करेगा हम उसके साथ चले जाएंगे। तो लास्ट टाइम जहाँ हमने रूम लिया था ना उसी जगह पे चलते हैं और वहीं रूम वगैरह लेते हैं। बस स्टॉप से हम लोग बाहर आ गए और यहाँ देखो भैया काठमांडू की गलियों के रोडों के क्या हाल है, और पूरी उधड़ी पड़ी है, कहीं पर सीवर खुदा पड़ा है, कहीं पर रोडें खुदी पड़ी हैं, धूल मट्टी हो रही है पूरी रोडों पे। तो चलते नीचे की तरफ रूम वगैरह ढूंढते हैं और अभी आराम करेंगे और शाम के टाइम निकलेंगे फिर रोड पे दोबारा से। देखो जैसे अपने यहाँ है ना दिल्ली में फरीदाबाद में मोमोज़ वगैरह काफ़ी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो ये मोमोज़ के पतीले कितने बड़े बड़े होते हैं भाई, हमारे यहाँ तो वो छोटे छोटे से रहते हैं ना एक एक इंच भर के। चलो भाई एक भाई मिला ये रोड पे, कह रहा होटल, तो हम देख के आते हैं इनका होटल, 500 में बता रहे हैं भाई। तो भाई फाइनली हमको रूम मिल गया, बाकी हमको रूम दिखा देता हूँ अपना, ऐसा कुछ है हमारा होटल और ये हमारा रूम है भाई, ऐसा कुछ रूम है, दो बेड लगे हुए हैं, हमको 800 रुपये में मिला। और जो मेरे पीछे आप ये गली देख रहे हो ना, ये यहाँ पे काफ़ी सारे नाचघर है, मतलब नाचघर होता है जैसे क्लब्स वगैरह होते हैं ना उसी टाइप का, मतलब ये देसी क्लब्स हैं। इनके नाचघर में क्या होता है ना, मतलब जो इनके ट्रेडिशनल डांस वगैरह होते हैं, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स होते हैं उस पर लोग डांस वगैरह करते हैं, बाकी आपको दारू पीना है, बियर पीना है, कॉफ़ी पीना है, खाना खाना है, वो सब रहता है। तो भाई जी जिस जगह की मैं आपसे बात कर रहा था ना, जिस गली की, उस गली में हम लोग आ गए। पहले इनको नाचघर बोला करते थे यार, इन्होंने सबका नाम चेंज कर दिया, रोधीघर कर दिया। ऐसा क्यों ना, क्योंकि नाचघर शायद थोड़ा अजीब सा वर्ड लगता होगा ना, कि वल्गर लगता होगा नाचघर, तो रोधीघर कर दिया, साले किसी का बाप को समझ नहीं आएगा अंदर क्या है। भाई साहब हमने ना एक ये क्लब है साली भेजा रोधी क्लब करके, ऐसा कोई क्लब है, यहाँ पे हमने एंट्री किया है और यहाँ पे भाई क्या सीन है यार, मतलब हमने एंटर किया, हम टेबल पे बैठ गए और एक लेडी आके वो हमारे टेबल पे बैठ गई, अब वो क्या है कि वो ऑर्डर करने के लिए वेटर होते हैं यहाँ पे, वेटर टाइप के, और वो सर पे बैठ गए और यहाँ पे मतलब गाने बज रहे हैं पंजाबी, ये पंजाबी गाने, यहाँ पे जो नेपाली गाने होते हैं ना वो गाने बज रहे हैं, और हमारे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा भाई, क्या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हिंदी गाने यहाँ पे नहीं बजते हैं। तो बाकी हमने एक बार सोचा था कि देख के आते अंदर कैसा रहता, और यहाँ पे ही ऐसे सारे पूरी गली में ना ऐसी क्लब है, साली भेजा रोधी क्लब ऐसी करके, देखो सामने का नील कमल रोधी क्लब करके सारे ऐसी हैं। तो अभी आपको ना एक बार अंदर दिखाते हैं। भाई साहब हमने इस क्लब में अंदर आए हैं और यहाँ पे ये मैडम हमारे सामने बैठ गई है, ये मेरे को पता है इसलिए बैठे हमारा बिल बनाने के लिए, और ये हम ऐसे बैठे रहेंगे, ऐसा कुछ चल रहा है यहाँ पे। मैं क्लब में था अंदर और ना वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा था, तो उतनी देर में थोड़ी देर में वहाँ का ओनर आता और मेरे को बोलता है कि भाई आपने परमिशन लिया किसी से रिकॉर्डिंग करने का, जबकि मैंने घुसते ही ना परमिशन ले लिया था, पता नहीं उनको लग रहा होगा कि नहीं रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ना कई ऐसी चीज़ें होती हैं क्लब के अंदर जो शायद कैमरे में आएंगी तो इनकी इमेज के लिए ख़राब होगा,
ऑनर की क्लब के लिए खराब होगा, तो कहता है कि आप रिकॉर्ड मत करो। मैं कहा ठीक है, तब मैं रिकॉर्ड नहीं किया वैसे। और वहाँ पे क्या सीन था ना, जैसे हम क्लब में अंदर एंटर करें तो वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे वेटर जो होती हैं, लेडीज वेटर होती है, वो टेबल पे आके बैठ गई, वो हिले ही ना वहाँ से। मैं उसको कह रहा हूँ आप चले जाओ यहाँ से, हम ऑर्डर कर लेंगे जो करना। कह रहे नहीं कोई बात नहीं। एक तो उसको इंग्लिश हिंदी समझ में नहीं आ रही और इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, नेपाली में बात कर रही थी। तो मैंने उसको बोला कि हम ऑर्डर कर लेंगे, आप यहाँ से चले जाओ। लेकिन नहीं, उनका ना तरीका यही है, वो आपके ना सर पर बैठे रहेंगे और आपसे ज़बरदस्ती ऑर्डर करवाएंगे। और फिर आप ना, मैंने मतलब ऑर्डर कर दिया, मैंने कहा चलो ये जाए यहाँ से, ये हटे, कुछ ऑर्डर कर देते हैं कि यहाँ से हट जाएगी टेबल पे से, फिर हम अच्छे से इन्जॉय कर लेंगे, बातें कर लेंगे, ब्लॉग कर लेंगे। नहीं, वो नहीं हटी भाई। उसके बाद फिर मैंने ऑर्डर कर दिया, वो नहीं हिली। फिर उसके बाद वो कि बियर पियोगे, बियर लोगे, कोल्ड ड्रिंक लोगे, वो इस तरीके से ना वो बस आपको, और इतनी मीठी मीठी हमसे बातें कर रही थी, हमसे इतना भला बन रही थी, बस इसीलिए कि हम ऑर्डर करते रहे ज़्यादा चीज़ और वो उनका बिल बनता रहे। तो भाई जी, काठमांडू की रंगीन और बदनाम गलियों से हम अपने वापस अपने रूम में आ गए भाई साहब। सच में ना, जिन गलियों में हम गए थे वो रंगीन और बदनाम गलियां ही थी। रूम में वापस आ गए भाई साहब, क्योंकि वहाँ पे कुछ माहौल ना खराब होने लग गए थे और लोग काफी घूर घूर के देख रहे थे। हम रोड पे घूम रहे थे तो कुछ पुलिस वाले भी हमें मिले, वो कह रहे हैं आप ऐसा क्यों घूम रहे हो, आप टूरिस्ट हो, आप अपने रूम पे वापस जाओ, सेफ जगह नहीं है। और हमने उनको बोला कि भाई हम खाना वाना ढूंढ रहे हैं खाने के लिए, तो उन्होंने ये जगह बताया कि वहाँ चले जाओ, तो वहाँ भी बंद था। फिर वो मैं कह रहे कि पुलिस वाले की अगर कोई भी लड़का आपके पास आता है, कोई भी लड़की आपके पास आती है, आपको बोले कि यहाँ चलो वहाँ चलो, किसी के साथ में मत जाना, वो आपको कहीं लेके जाएंगे, आपके साथ लूटपाट कर सकते हैं, आपको गलत जगह लेके जा सकते हैं, ठीक है, आपके साथ में कुछ गलत हो सकता है, तो उसके लिए आप ही जिम्मेवार हो गए, तो किसी के साथ जाना मत, अपने होटल में वापस जाओ। तो हम अपने होटल में वापस आ रहे थे, तो हमें ना, आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में कि कई सारे लड़कों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया, मेरे से पूछ रहे कि होटल होटल, वो आपसे पूछेंगे कि आपको लड़की चाहिए क्या, आपको कुछ चाहिए क्या। तो हमने उनको मना कर दिया, लेकिन वो हमारा पीछा करता रहे, हमने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि हो सकता मैं कैमरा निकालूं और फिर वो कैमरा छीना चपटी करें, वैसा करें, क्योंकि चार पाँच लड़कों का ग्रुप था, काफ़ी सारे लड़कों का ग्रुप था, कुछ बाइक्स पे थे, कुछ लड़कियाँ थी, मतलब रात के 1:30 बजे भी लड़कियाँ घूम रही हैं वहाँ पे रोडों पे, ठीक है। तो सारे उसी टाइप के लोग थे जो कि अपना मतलब लोगों को ढूंढते हैं कि उन्हें कोई बकरा मिल जाए रात के टाइम पे काटने के लिए।